Very good morning, students. So in today's economics class, we are going to discuss chapter 4th, some important sources of secondary data. Okay. In previous video, we discussed about the kind of data, right? कितने तरह के data होते हैं. So they are primary and secondary. उनको किस तरह से collect करते हैं वो भी हमने पढ़ा. And while we are going through the collection of data, क्या क्या प्रिकॉशंस लेने होते हैं वी ऑल्सो डिस्कस्ड अबाउट दैम. नाउ इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट सम इम्पॉर्टेंट सोर्सेज ऑफ सेकेंडरी डाटा. ओके, तो जो भी हमें फ्रेश डाटा किसी पर्टिकुलर पर्पज से ज़रूरत होती है वो जनरली हम क्या करते हैं, प्राइमरीली कलेक्ट करते हैं. और सेकेंडरी डाटा जो होता है वो ऑलरेडी कलेक्टेड डाटा को हम रीयूज़ करते हैं, दैट इज़ द सेकेंडरी डाटा. सो यहाँ पर हम सेकेंडरी डाटा के सोर्सेज को डिस्कस करेंगे. एंड वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट टू इम्पॉर्टेंट इंस्टीट्यूशंस ऑफ आर कंट्री जो कि डाटा कलेक्शन के उनका वर्क करते हैं. ओके, सो वन ऑफ दैम जो हमारा एक्टिविटी ऑफ कलेक्शन है दैट इज़ द सेंसस ऑफ इंडिया. ओके, सो सेंसस ऑफ इंडिया जो है वो एवरी 10 ईयर, हर 10 साल में इंडिया में होता है. इट्स अ हाउस टू हाउस इंक्वायरी कवरिंग ऑल हाउस होल्ड इन इंडिया. तो सेंसस जो है वो जनसंख्या की जनगणना के नाम से हम जानते हैं, ठीक है, या हम इसे जनगणना कहते हैं. जनगणना में हम क्या करते हैं, हाउस टू हाउस जाकर के इंक्वायरी करते हैं और हर एक चीज़ को कवर करते हैं यहाँ पर. तो डेमोग्राफिक डाटा ऑन बर्थ एंड डेथ रेट्स, लिटरेसी, एम्प्लॉयमेंट, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, साइज एंड कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन, ये सारी की सारी चीज़ें जो है वो जनसंख्या के बारे में, पॉपुलेशन ऑफ कंट्री के बारे में हमें पता चल जाती है कि बर्थ और डेथ रेट क्या है, लिटरेसी की कंडीशन क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट किस तरह से है या कितने लोग एम्प्लॉयड हैं, लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या है कंट्री की और पॉपुलेशन कितनी है और किस तरह की है. ओके, एंड दीज आर कलेक्टेड एंड पब्लिश्ड बाय द रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया. तो सेंसस जो इसका कलेक्शन रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया करते हैं. एंड रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया. ओके, एंड वी मस्ट ऑल्सो गेट इट रिमेंबर कि ये हर 10 साल में होता है, एवरी 10 ईयर में होता है. फर्स्ट सेंसस ऑफ इंडिया वॉज हेल्ड इन 1872. सबसे पहले इंडिया में जो सेंसस स्टडी हुई थी वो हुई थी 1872 में. ओके, आफ्टर इंडिपेंडेंस फर्स्ट सेंसस ऑफ इंडिया ये हमने कंडक्ट किया था इन 1951. ओके, और अभी लास्ट सेंसस जो है हमारी कंट्री का वो हुआ था फरवरी 2011 में. ओके, सो अकॉर्डिंग टू दिस हमें 2021 में अगेन जो है वो सेंसस होना चाहिए, बट द कंडीशंस आर नॉट सो गुड, दैट्स व्हाई ये क्या है अभी आई थिंक कंटिन्यू नहीं किया गया है. ओके, अब हम बात कर रहे थे कि सेंसस ऑफ इंडिया फर्स्ट जो है वो हुआ था 1872 में, लेकिन जो ये 10 ईयर्स के स्किप पर, 10 ईयर के डिफरेंस पर जो होता है वो स्टार्ट हुआ है फ्रॉम 1881. ठीक है, तो इसके बाद से हर 10 साल में हमारी कंट्री में सेंसस कंडक्ट किया जाता है. ओके, नाउ देयर इज़ एन अदर इंस्टीट्यूशन, ओके, दैट इज़ NSSO. सो NSSO इज़ नेशनल सैम्पल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन. ओके, It was established by the government of India to conduct nationwide survey on socio-economic issues. तो NSSO जो है वो एक government का institution है जो कि country wise conduct करता है तरह तरह के survey जिसमें हम social और economic issue को जो है वो include करते हैं. Okay, and it does continuous survey of in successive round. इसके कई सारे एक के बाद एक राउंड्स होते हैं जिसमें ये डाटा को लेकर के सर्वे करता है. ओके, और इसका जो डाटा कलेक्ट किया जाता है उसे रिपोर्ट्स के फॉर्म में
रिलीज़ किया जाता है एंड इसका क्वार्टरली जर्नल निकलता है जिसका नाम है सर्वेक्षण। ओके, तो एनएसएस जो है वो हमें पीरियोडिकली एस्टिमेट देता है लिटरेसी का, स्कूल एनरोलमेंट का, यूटिलाइजेशन ऑफ एजुकेशनल सर्विसेज के बारे में, एम्प्लॉयमेंट एंड अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में, मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस एंटरप्राइजेस के बारे में, देन मॉर्बिडिटी के बारे में, मैच्योरिटी के बारे में, चाइल्ड केयर, यूटिलाइजेशन ऑफ पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, मतलब जितने भी सोशल और इकोनॉमिकल इश्यूज़ हैं उनसे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जाती है वो एनएसएस के द्वारा ही किया जाता है। ओके, तो एनएसएस को 59th राउंड जो है वो 2003 में उन्होंने सर्वे किया था। ये था ऑन लैंड एंड लाइव स्टॉक होल्डिंग डेप एंड इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड। ठीक है, तो ये एक टॉपिक था इकोनॉमिक्स से रिलेटेड जिसके ऊपर सर्वे किया गया था 59th। उसके बाद 16th राउंड जो सर्वे था वो जनवरी टू जून 2004 में किया गया, इसमें मॉर्बिडिटी और हेल्थ केयर। ओके, तो ये एक सोशल इशू हो गया जो इन्होंने कलेक्ट किया था जिससे रिलेटेड डाटा। ओके, इसके अलावा एनएसएस ये इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ की जो भी डाटा होता है उसे भी कलेक्ट करते हैं, रिटेल प्राइजेस ऑफ वेरियस गुड उससे रिलेटेड डाटा भी कलेक्ट करते हैं। सो वी कैन से दैट कि कंट्री के जितने भी सोशल और इकोनॉमिकल इश्यूज़ हैं उनसे रिलेटेड डाटा एनएसएसओ के सर्वेज में निकाला जाता है। नाउ अब क्योंकि हम बात कर रहे हैं सोर्सेज ऑफ सेकेंडरी डाटा, तो यहाँ पर हमें इन्वेस्टिगेशन के तरीकों की बात करनी होगी पहले, क्योंकि जब हम सोर्स की बात करते हैं तो ऑब्वियसली इन्वेस्टिगेशन कम्स अंडर द सेम थिंग। ओके, सो दो तरह की मेनली हम बात करते हैं मेथड ऑफ इन्वेस्टिगेशन की, सेंसस मेथड एंड सैम्पलिंग मेथड। ओके, तो सेंसस मेथड जो होती है इसमें हम पूरी की पूरी यूनिट्स को स्टडी करते हैं, इसे हम कहते हैं सेंसस और यूनिवर्सल कवरेज। यानी अगर आप किसी भी एक सोशल या इकोनॉमिकल इशू को लेकर के स्टडी कर रहे हो तो उससे रिलेटेड हर एक फैक्टर के हर एक यूनिट की आप स्टडी करेंगे। तो यहाँ पर यूनिवर्सल कवरेज जब होता है, यानी हर एक एलिमेंट हर एक यूनिट को जब हम स्टडी करते हैं तो उसे सेंसस इन्वेस्टिगेशन कहा जाता है। ओके, और सैम्पल कवरेज जो होता है वहाँ पर हम ग्रुप ऑफ रिप्रेजेंटेटिव आइटम्स, यानी हम हर एक यूनिट को स्टडी ना करके हम वहाँ पर एक रिप्रेजेंटेटिव्स आइटम्स को लेकर के स्टडी करते हैं। ठीक है, तो जब यूनिवर्सल कवरेज होता है देन इट इज़ सेंसस मेथड, और जब हमारा कवरेज जो है एक ग्रुप ऑफ रिप्रेजेंटेटिव आइटम्स का होता है तो दैट इज़ द सैम्पलिंग इन्वेस्टिगेशन। यहाँ पर हम हर एक यूनिट को स्टडी ना करके सिर्फ रिप्रेजेंटेटिव यूनिट्स को स्टडी करते हैं। ओके, तो सेंसस मेथड जो है इंक्वायरी की वो काफ़ी पुरानी है, यानी ज़्यादातर उसी को हम यूज़ करते हैं। ओके, सो क्यों करते हैं, क्योंकि पुराने टाइम पर हमें रिकॉर्ड्स कलेक्ट करने होते थे ताकि हम रूलर्स को जो है कंट्री की इकोनॉमिक कंडीशन के बारे में, टैक्सेस के बारे में, मिलिट्री स्ट्रेंथ के बारे में और भी कई चीज़ों के बारे में इन्फॉर्मेशन दे सके कि उनकी प्रजा में क्या हालचाल है। दैट्स वाई सेंसस मेथड जो है वो काफ़ी लंबे टाइम से, यानी एंशियंट टाइम से चली आ रही है। ओके, और उसके बाद सैम्पल इन्वेस्टिगेशन क्या करती है, सारे के सारे एलिमेंट्स को ना लेकर के सिर्फ कुछ एक रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स को ले लेती है। ओके, तो ये है हमारे दो इन्वेस्टिगेशन के तरीके। अब इनमें हम डिटेल वाइज इन टॉपिक्स को इन डिटेल डिस्कस करेंगे। तो सेंसस इन्वेस्टिगेशन जो होता है इट इज़ आल्सो कॉल्ड द कंप्लीट काउंट। ओके, यहाँ पर हम जो भी प्रॉब्लम्स है उसके हर एक यूनिट्स को स्टडी करने वाले हैं। ठीक है, तो पॉपुलेशन की जब हम बात करते हैं, जैसे हम बात करते हैं कि इंडिया में सेंसस होता है
वो जनरली जनगणना के नाम से हम उसे जानते। तो यहाँ पे क्या करते, हाउस टू हाउस जा कर के हर एक हाउस से हर एक चीज़ जो भी हमारी पर्पसेज हैं उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं। ओके, तो इस तरह की इंक्वायरी, क्योंकि हम यहाँ पर सेंसस पॉपुलेशन से रिलेटेड पूरी बात कर रहे हैं तो ठीक है, बट अगर हम अदरवाइज कोई स्टडीज़ करते हैं तो सैम्पल इन्वेस्टिगेशन इज़ ओनली यूज़फुल जब हमारा स्कोप ऑफ इंक्वायरी जो है वो लिमिटेड हो, ठीक है। और अगर हम वेरियस टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स को स्टडी कर रहे हैं तो भी हम सेंसस इन्वेस्टिगेशन हमारे लिए ज़्यादा यूज़फुल होगा, क्योंकि हर एक यूनिट जो है उसके डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक होने वाले हैं। तो जब कैरेक्टरिस्टिक डिफरेंट होंगे तो ऑब्वियसली हमें उन्हें अलग अलग इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा। तो अगर डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं तो, और अगर स्कोप ऑफ इंक्वायरी लिमिटेड है तो हम सेंसस इन्वेस्टिगेशन की तरफ जो है वो देख सकते हैं, मीन्स उसे हम कर सकते हैं। पर इसके कुछ एक डिमेरिट्स भी होंगे, तो पहले हम डिस्कस करेंगे मेरिट्स ऑफ सेंसस इन्वेस्टिगेशन। तो ऑब्वियसली क्योंकि हम एक एक यूनिट को स्टडी करते हैं दैट्स व्हाई रिजल्ट्स आर रिलायबल एंड एक्यूरेट, इसलिए हमारे जो रिजल्ट्स हैं वो मोर एक्यूरेट होते हैं, रिलायबल होते हैं, सुटेबल हैं, जहाँ पर हमारा हर एक यूनिट के पास में अलग अलग तरह के कैरेक्टरिस्टिक्स हो। देन ओके, देन इंटेंसिव स्टडी जब हमें करना है, ठीक है, हम हर एक प्रॉब्लम को बहुत गहराई से जानना चाहते हैं, देन ऑल्सो इन्वेस्टिगेशन ऑफ सेंसस टाइप जो होती है दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। ओके, देन अब हम क्या है डिमेरिट्स देखते हैं। तो सबसे पहले तो एक बहुत ही कॉस्टली मेथड है, क्योंकि यहाँ पे यूनिवर्स के हर एक यूनिट से आपको जो है वो मिलना होता है या उनके पास जाकर के आपको स्टडी करनी होती है, दैट्स व्हाई दिस मेथड इज़ क्वाइट कॉस्टली। ओके, देन दिस मेथड रिक्वायर्स मोर लेबर एंड मोर टाइम। ये जो मेथड है इसमें बहुत लंबे टाइम की भी ज़रूरत होती है और लेबर की, दैट्स व्हाई जब भी सेंसस ऑफ इंडिया होता है उसमें लंबा टाइम लगता है, ठीक है, एंड नॉट पॉसिबल इन सम सर्कमस्टेंसेस। कभी कभी हमारे जो यूनिवर्स के यूनिट्स होते हैं दे आर क्वाइट कॉम्प्लेक्स्ड, राइट, और उनके बारे में जो भी हम स्टडी करते हैं वो एकदम डिफ़िकल्ट हो जाती है, दैट्स व्हाई सैम्पल के बीच से सेंसस इन्वेस्टिगेशन करने में हमको प्रॉब्लम होता है, ठीक है। तो इसके कुछ अच्छाइयाँ हैं दैट हमें एक्यूरेट रिलायबल इन्फॉर्मेशन मिलेगी, लेकिन इसकी बुराइयाँ भी हैं कि इसमें हमें टाइम बहुत देना पड़ेगा, मेहनत बहुत करनी पड़ेगी, और साथ ही साथ आपको बहुत ही कॉस्टली पड़ने वाली है ये मेथड, ठीक है। तो दिस वर ऑल अबाउट द सेंसस इन्वेस्टिगेशन, राइट। अब दूसरा जो टाइप है दैट इज़ द सैम्पल इन्वेस्टिगेशन या सैम्पल इंक्वायरी। ओके, तो जब हम सैम्पल इंक्वायरी की बात करते हैं सो हम इन जनरल ये कह सकते हैं कि जब भी हम किसी चीज़ को, अगर हम बात कर रहे हैं किसी थिंग को खरीदने के लिए, किसी चीज़ की इन्फॉर्मेशन जानने के लिए, या किसी पॉलिसी से किसी को फ़ायदा कितना हुआ है ये जानना चाहते हैं, तो ज़रूरी नहीं कि हम हर एक यूनिट के पास पहुँचे, उनमें से कुछ रिप्रेजेंटेटिव यूनिट्स को रेंडमली हम देख करके पता लगा सकते हैं कि हम जो भी इंक्वायरी कर रहे हैं वो या जो भी हमें फ़ायदा होने वाला है या जो भी हमारा कंक्लूज़न है वो किस तरह से निकलने वाला है। सो यहाँ पे सैम्पलिंग इंक्वायरी में हम हर एक यूनिट को स्टडी ना करके रेंडमली कुछ एक यूनिट्स को स्टडी करते हैं सो दैट हम अपने रिजल्ट्स को कंक्लूड कर सकें, इंटरप्रेट कर सकें। तो इसके लिए हर एक यूनिट को ना स्टडी करके आप कुछ एक रिप्रेजेंटेटिव यूनिट्स चुनेंगे जिनको हम स्टडी करेंगे, ठीक है। अकॉर्डिंग टू सिम्पसन एंड काफ्का द टाइप ऑफ थिंकिंग फ्रॉम अ फ्यू पर्टिकुलर्स टू अ जनरलिटी। जब हम कुछ एक पर्टिकुलर्स को देख करके उसके आधार पर कोई जनरल इंटरप्रटेशन निकालते हैं, राइट,
तो दिस टाइप ऑफ प्रोसीजर इज़ कॉल्ड सैम्पलिंग इंक्वायरी। इस तरह की जो भी स्टडी होगी उसे हम सैम्पल इंक्वायरी कहेंगे। ठीक है, सपोज़ करिए हम बात कर रहे हैं कि एक कोल को लेकर के एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं कि हमें अगर कोयला देखना है या हम ग्रेन्स देखना चाहते हैं कि किस तरह का है, तो हम हर एक सेक को ओपन ना करके कुछ एक सेक्स को रैंडमली चेक करते हैं कि किस बोरे का जो राइस है या कोई ग्रेन है वो कितना अच्छा है, राइट। तो इसके लिए हम ज़रूरी नहीं है कि हर एक बोरे से हर एक यूनिट ऑफ राइस जो है वो निकाल करके देखें, तभी हमें पता चलेगा कि किस तरह का है ना। हम उसमें क्या करते हैं, रैंडमली सिलेक्ट कर लेते हैं कि फर्स्ट इसको, इस सेक को हम चेक कर लेते हैं, नेक्स्ट इसको, इसको, एंड देन उससे हम कंक्लूड करते हैं कि विच टाइप एंड वेराइटी ऑफ राइस इज दैट। ओके, तो यहाँ पे हमने क्या किया है, सैम्पल लिया है कुछ एक से, हमने हर एक यूनिट को नहीं चेक किया है। तो फ्रॉम पर्टिकुलर टू जनरलिटी, पर्टिकुलर्स का मतलब हो गया वो सेक रेंडमली जिन्हें हमने चूज़ किया था, और जनरलिटी उस सारे के सारे लोड की हम बात कर रहे हैं जिसको हमने उन सेक्स को चेक करने के बाद में ख़रीदा था। ओके, तो अब हम देखते हैं कि इस तरह की जो मेथड होती है सैम्पलिंग इंक्वायरी उसके मेरिट्स क्या होते हैं। तो फर्स्ट वन इज़ इनएक्सपेंसिव, यहाँ पर आपको टाइम, मनी और एफर्ट जो होते हैं वो कम इन्वॉल्व करने होते हैं, बिकॉज आपके जो भी स्टडीज़ हैं दैट विल गो विद ओनली सम ऑफ द यूनिट्स। ओके, लार्ज एरिया ऑफ इन्वेस्टिगेशन अगर है तो ये बहुत यूज़फुल है। एरर आइडेंटिफिकेशन, क्योंकि हम रैंडमली स्टडी करते हैं, दैट्स वाई एरर आइडेंटिफिकेशन इज़ ऑल्सो पॉसिबल देयर। ओके, और एडमिनिस्ट्रेटिवली इट इज़ कन्वीनियंट, और इसे एडमिनिस्ट्रेट करना भी काफ़ी कन्वीनियंट होगा। एंड इट इज़ ऑल्सो साइंटिफिक, क्योंकि हर एक यूनिट को स्टडी करने की जब हम बात करते हैं तो इट कैन बी कॉल्ड अ लेस साइंटिफिक मैथड। ओके, बट द डिमेरिट्स आर दैट कि यहाँ पर बायस्ड हो सकते हैं। ओके, बायस्ड हो सकते हैं मीन्स पक्षपात हो सकता है। इन्वेस्टिगेटर जो होता है वो अपनी इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग ही रिप्रेजेंटेटिव्स चूज कर सकता है, दैट्स वाई इनएक्यूरेट रिजल्ट इज ऑल्सो पॉसिबल। ओके, एंड दिस इज़ ऑल्सो डिफ़िकल्ट दैट हाउ टू फ्रेम द सैम्पल्स, हम किस सैम्पल को चूज़ करें ये भी एक डिफ़िकल्ट कंडीशन हो जाती है। ओके, एंड टेक्निकल नॉलेज इज़ वेरी मच रिक्वायर्ड हियर, क्योंकि अगर आपके पास टेक्निकल नॉलेज नहीं है तो आपका सिलेक्शन ऑफ सैम्पल जो है वो प्रॉबली सही नहीं होगा, एंड आपका जो रिज़ल्ट है या जो भी आप प्रॉब्लम स्टडी कर रहे हैं उससे रिलेटेड डाटा आपके पास में प्रॉपर नहीं आ पाएगा। ओके, तो सैम्पलिंग एंड सेंसस दो तरह की मेथड्स हम यूज़ करते हैं। ओके, दोनों के कुछ मेरिट्स हैं, कुछ एक डिमेरिट्स हैं। हाउएवर बोथ टाइप ऑफ इंक्वायरी एंड बोथ टाइप ऑफ इंक्वायरीज आर यूज्ड इन जनरल लाइफ, और अलग अलग पर्पज से हम अलग अलग तरह के इन्वेस्टिगेशन को जो है वो करते हैं, राइट। अब इसके बाद हम जो है डिस्कस करेंगे कि व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सैम्पलिंग। जब हम बात करते हैं सैम्पलिंग की तो एक्चुअली सैम्पलिंग की ऑब्जेक्टिव्स हैं सैम्पलिंग सर्वे के। ओके, तो सैम्पल सर्वे क्यों किया जाता है, इसका फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है द इंफॉर्मेशन गैदर फ्रॉम अ सैम्पल सर्वे मे बी यूज टू टेस्ट हाइपोथेसिस अबाउट द पेरेंट पॉपुलेशन फ्रॉम विच द सैम्पल इज ड्रॉन। तो जब भी हम किसी चीज़ को लेकर के स्टडी कर रहे होते हैं, सपोज़ करिए हम पॉपुलेशन को लेकर के, तो हम अपनी जो सेंसस सर्वे होता है उसके लिए एज अ हाइपोथेसिस यूज़ कर सकते हैं। हाइपोथेसिस मतलब होता है परिकल्पना, मींस हम ये देख सकते हैं कि एक्चुअली जो मेन प्रॉब्लम है अगर हम उसे रेंडमली कलेक्ट कर रहे हैं उससे रिलेटेड डाटा, तो हमारी जो बेसिक पॉपुलेशन है उसकी कंडीशन क्या हो सकती है, राइट। तो इन शॉर्ट ऐसा कह सकते हैं कि जो भी हम प्रॉब्लम स्टडी करने वाले हैं उसके लिए पेरेंट पॉपुलेशन से रिलेटेड हाइपोथेसिस बनाने के लिए
सैम्पलिंग सर्वे का यूज़ किया जाता है, राइट। दूसरा, सैम्पल सर्वे ऑल्सो कंडक्ट टू टेस्ट द एक्यूरेसी ऑफ द रिजल्ट ऑब्टेंड बाय द सेंसस। तो जब हमने सेंसस सर्वे कर लिया हो, राइट, और उसके बाद जो हमारे पास में जो भी डाटा कलेक्ट हुआ है, जो हमने इंटरप्रेटेशन किया है, उसको चेक करने के लिए कि वो एक्यूरेट है या नहीं, सैंपल सर्वे का यूज़ किया जाता है। एंड द थर्ड वन इज़ टू गेट नेसेसरी इंफॉर्मेशन टू फुलफिल सम स्पेसिफिक पर्पस सैंपल सर्वेस आर कंडक्टेड। तो कभी कभी किसी स्पेशल पर्पस को लेकर के भी सैंपल सर्वेस किए जाते हैं। सच सर्वेज आर अंडरटेकन टू मेक इंटरफेरेंस अबाउट द नेचर ऑफ पेरेंट पॉपुलेशन। तो हमारी जो मेन पॉपुलेशन है उसकी उसके नेचर को समझने के लिए भी हम इस तरह के सैंपल सर्वे को कर सकते हैं। एंड द लास्ट वन इज दैट की सैंपल सर्वेज आर अंडरटेकन टू इंक्वायर अबाउट द कंडीशन ऑफ द यूनिवर्स कंटिन्यूसली। तो कंटिन्यूसली अगर हम कंडीशन को जानना चाहते हैं कि टाइम टू टाइम उसमें क्या चेंजेस हो रहे हैं, वहाँ पर भी हम क्या कर सकते हैं, सैंपल सर्वे कर सकते हैं, क्योंकि बार बार सेंसस सर्वे करना जो होगा वो पॉसिबल नहीं होगा। ओके, डोर टू डोर एंड हाउस टू हाउस जाना जो है हर एक प्रॉब्लम की स्टडी के लिए जरूर पॉसिबल नहीं हो पाता है, दैट्स व्हाई सैंपल सर्वे जो है वो किया जाता है, राइट। अब इसके बाद हम डिस्कस करेंगे द एसेंशियल्स ऑफ सैम्पलिंग। सो अगर हम चाहते हैं कि हमारा जो इंटरप्रिटेशन है, हमारी इन्वेस्टिगेशन है, ओके, वो अनबायस्ड हो, यानी वो पक्षपात पूर्ण ना हो और ओरिजिनल कंक्लूजन्स हमको मिले, ठीक है, तो सैंपल इन्वेस्टिगेशन हो या फिर किसी भी तरह का इन्वेस्टिगेशन, कुछ एक चीज़ें हमें ध्यान में रखनी होती हैं। ओके, तो पहले हम सैंपल की बात कर रहे थे, तो सैंपल को स्पेशली इसलिए हम बार बार बात करते हैं कि सैंपल में हमें ऑब्जेक्टिव क्या रखने होंगे, एसेंशियल क्या, क्योंकि सैंपल क्या होता है, यहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव्स का यूज़ करते हैं, हर एक यूनिट की स्टडी नहीं कर रहे होते, तो ऑब्वियसली यहाँ पे हमें बहुत सारी चीज़ों को ध्यान रखना होता है। अगर हम सेंसस इन्वेस्टिगेशन करते हैं तो क्या होगा, हम हाउस टू हाउस जा कर के पर्सन टू पर्सन इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे, तो ऑब्वियसली वहाँ पर तो हर एक के बारे में इंफॉर्मेशन आपको मिलने वाली है, लेकिन सैंपल जो होता है यहाँ पर रेंडमली किसी को भी चूज़ करके, किसी भी यूनिट को चूज़ करके उसकी स्टडी हम करते हैं। ओके, तो यहाँ पे हमें ऑब्जेक्टिव्स को ध्यान में रखना पड़ता है, फिर कुछ एसेंशियल मीन्स कुछ इम्पॉर्टेंट थिंग्स और होते हैं जो कि अगर हम सैंपल सर्वे कर रहे हैं या सैंपल इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं तो हमें ध्यान रखना होता है। तो फर्स्ट वन इज़ रिप्रेजेंटेटिव्स। ओके, सो द सिक्योरिंग ऑफ रिप्रेजेंटेटिव सैंपल इज़ द फर्स्ट एसेंशियल ऑफ द मैथड ऑफ स्टैटिकल इंडक्शन और इन्फ्रेंस। तो हमें रिप्रेजेंटेटिव सिक्योर करना कि किस यूनिट को हम रिप्रेजेंटेटिव मान कर के चल रहे हैं उसकी तरफ हमें बहुत ध्यान देना होता है, ताकि हमारा जो भी इंटरफ्रेंस हो वो एकदम सही हो, ठीक है। तो ये एक फर्स्ट एसेंशियल है मेथड ऑफ स्टैटिकल इंडक्शन का। ओके, और सैंपल जो है वो इस तरह से लेना चाहिए हमें, अगर हम किसी भी यूनिट को सैंपल मान कर के चल रहे हैं, उसे बाकी सारी यूनिट का रिप्रेजेंटेटिव मान पा रहे हैं, तो उसके अंदर सारी कैरेक्टर्स होना ज़रूरी है, और वही कैरेक्टर्स होना ज़रूरी है जो हम सारे के सारे यूनिट्स के बारे में इमेजिन करके चलते हैं, राइट। तो अगर उसके कैरेक्टर्स स्लाइटली डिफरेंट होंगे तो हमारा जो भी इंटरप्रिटेशन है वो सही नहीं निकलेगा। ओके, नेक्स्ट इज़ इंडिपेंडेंस।
इन सैम्पलिंग द इंडिविजुअल आइटम कंपोजिंग द सैम्पल शुड बी इंडिपेंडेंट टू ईच अदर, मीन्स वो एक दूसरे से जुड़े हुए नहीं होना चाहिए, उनके कैरेक्टरिस्टिक सिमिलर होना चाहिए लेकिन एक दूसरे से जुड़े होना उनको नहीं चाहिए। थर्ड इज़ होमोजेनिटी, तो ऑब्वियसली जिस भी यूनिट को आप एज अ सैम्पल यूज़ कर रहे हैं के, तो भले ही हम उन्हें रैंडमली कलेक्ट कर रहे हैं पर जैसा कि उनकी कैरेक्टरिस्टिक सिमिलर होने चाहिए वैसे ही उनकी बाकी सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो सिमिलर होनी चाहिए फ्रॉम वन यूनिट टू द अदर यूनिट। ओके, यानी हर एक यूनिट जो है वो सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ में हो। फोर्थ वन इज़ एडिक्वेसी, तो एडिक्वेसी से मतलब ज़रूरत है उतना नंबर ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स आपके पास में होने चाहिए, राइट। तो एडिक्वेसी जो है वो बहुत ज़रूरी है ताकि हमारे रिजल्ट्स एकदम एक्यूरेट आए। सिमिलर रेगुलेटिंग कंडीशंस, ओके, तो जो भी हम सैंपल ले रहे हैं उनकी रेगुलेटिंग कंडीशंस सिमिलर होनी चाहिए हर एक इंडिविजुअल केस में, भले ही हम रैंडमली चूज़ कर रहे हैं अपने यूनिट्स को, लेकिन अगर हम उनके कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें और साथ ही साथ कंडीशंस की बात करें तो उनका रेगुलेटरी कंडीशन जो है वो सिमिलर होना असेंशियल है, ज़रूरी है। ओके, नाउ देयर इज़ डिफरेंस बिटवीन द सेंसस एंड द सैम्पलिंग मेथड। सो फर्स्ट बेसिक है कवरेज का, तो ऑब्वियसली सेंसस मेथड में हम होल यूनिवर्स को उसे डाटा कलेक्ट करते हैं, ओके, और सैम्पल मेथड में रिप्रेजेंटेटिव सैम्पल्स यानी रिप्रेजेंटेटिव यूनिट्स से डाटा कलेक्ट किया जाता है। ओके, सिटेबिलिटी इज दिस मेथड इज सिटेबल व्हेन द एरिया अंडर इन्वेस्टिगेशन इज रिलेटिवली स्मॉल, अगर आपका इन्वेस्टिगेशन का एरिया छोटा है तो सेंसस मेथड आपके लिए सुटेबल है, और अगर आपका इन्वेस्टिगेशन का एरिया बहुत ही बड़ा है तो बेटर है कि हम सैंपल मेथड का यूज़ करें। थर्ड इज़ एक्यूरेसी, तो क्योंकि सारे के सारे आइटम्स हम यहाँ पर सेंसस में स्टडी करते हैं तो यहाँ पर डिग्री की हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी आपको मिलती है, और सैंपल में हम क्या करते हैं रिप्रेजेंटेटिव सैंपल्स को यूज़ करते हैं, तो कभी कभी पॉसिबल है कि एरर्स जो है वो मिल जाएं आपको, राइट, लेकिन उन एरर्स को ढूंढ करके उनको ख़त्म करना इजी होता है अगर इन एक्यूरेट डाटा के बारे में हमें इंफॉर्मेशन मिल जाए इन सैंपलिंग मेथड। लेकिन अगर हम सेंसर्स के थ्रू हमारी किसी एरर मिल जाती है, ठीक ना, तो उसको अगेन सैम्पलिंग मेथड के थ्रू सॉल्व करना या उसे रिमूव एंड डिटेक्ट करना बहुत ही मुश्किल होता है। ओके, नेक्स्ट इज़ कॉस्ट, तो क्योंकि सारे के सारे आइटम्स आपको स्टडी करना होता है एवरी यूनिट ऑफ द यूनिवर्स, तो मोस्ट एक्सम ये क्या होगी आपकी जो भी सेंसस है दैट इज़ वेरी कॉस्टली, राइट, यहाँ पे टाइम भी आपको देना होता है, मनी भी लगता है और एफर्ट्स भी काफ़ी सारे लगते हैं, जबकि सैम्पलिंग मेथड इन कंपैरिजन हम देखें तो कंपैरेटिवली वो कम टाइम लेती है और कम आपका कॉस्ट खर्च कर होता है, राइट, तो कॉस्ट के बाद टाइम भी दिया हुआ है इन्होंने, ठीक है, तो कॉस्ट भी कम देनी होगी, आपको टाइम भी कम देना होगा अगर सैम्पलिंग मेथड है तो, और कॉस्ट एंड टाइम दोनों ही हमारे लिए ज़्यादा लगेंगे अगर हम सेंसस मेथड का यूज़ कर रहे हैं। ओके, सेंसस मेथड जो है इज सूटेबल व्हेन आइटम इन द यूनिवर्स हैव डाइवर्स कैरेक्टर्स, अलग अलग अगर आपके हर एक यूनिट ऑफ द यूनिवर्स इज़ वेरी डिफरेंट देन आप क्या करेंगे सेंसस मेथड को आपको यूज़ करना चाहिए, और अगर होमोजेनियस आइटम्स हैं तो वहाँ पर आप
सैम्पलिंग मेथड का यूज़ कर सकते हैं। ओके, सेंसस मेथड का वेरिफिकेशन जो है वो जनरली सेंसस मेथड के थ्रू तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगेन आपको बहुत सारा मनी खर्च करना होगा, बहुत सारा टाइम वहाँ पे इन्वॉल्व करना होगा। लेकिन सैम्पल मेथड जो है वहाँ पर एरर डिटेक्ट कर सकते हैं, आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं और करेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमें हर एक यूनिट से फेस टू फेस नहीं होना होता है। ऑर्गेनाइजेशन स्किल्स, तो सेंसस मेथड जो है नीड्स मोर ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स, क्योंकि यहाँ पे हर एक आइटम को स्टडी करना है, तो ऑब्वियसली ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स जो हैं वो काफ़ी अच्छे होना ज़रूरी होते हैं। ठीक है, और सैम्पल मेथड में लेस ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स की ज़रूरत होती है, बिकॉज वी आर गोइंग टू स्टडी ओनली फ्यू ऑफ द आइटम्स। सो द नेक्स्ट टॉपिक वी आर टू डिस्कस इज द मेथड ऑफ सैम्पलिंग। ओके, तो ऑब्वियसली जब हम सेंसस की बात करते हैं तो वहाँ तो हमें सारे के सारे यूनिट्स ऑफ द यूनिवर्स, सारे के सारे आइटम्स ऑफ द यूनिवर्स जो है वो स्टडी करने होते हैं, तो उसके कोई टाइप जो होते हैं वो नहीं उनको ज़रूरत होती है। बट सैम्पलिंग मेथड में हमें डिसाइड करना होता है कि हम सैम्पल्स कैसे चूज़ करें, राइट, रिप्रेजेंटेटिव आइटम्स कैसे चूज़ करें। तो दैट्स वाई देयर आर वेरियस मेथड ऑफ सैम्पलिंग। तो सैम्पलिंग मेथड्स के जो टाइप हैं उनको मेनली हमने दो पार्ट में डिवाइड किया है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सैम्पलिंग मेथड एंड नॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ सैम्पलिंग मेथड, राइट। तो आपका जो प्रोबेबिलिटी ऑफ सैम्पलिंग मेथड है वहाँ पर आप अनरेस्ट्रिक्टेड रैंडम सैम्पलिंग, यानी कि बिना किसी रेस्ट्रिक्शन के आप अपने आइटम्स जो हैं वो चूज़ कर लेते हैं रैंडमली, तो दैट इज़ अनरेस्ट्रिक्टेड। उसके बाद रेस्ट्रिक्टेड रैंडम सैम्पलिंग, जहाँ पर कुछ एक चीज़ों को ध्यान रखते हुए हमें रैंडमली आइटम्स को चूज़ करना होता है। सो अगेन रेस्ट्रिक्टेड रैंडम सैम्पलिंग इज़ डिवाइडेड इनटू थ्री कैटेगरीज, दैट इज़ स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग, सिस्टमैटिक सैम्पलिंग एंड क्लस्टर सैम्पलिंग। ओके, नॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ सैम्पलिंग मेथड में आपको पर्पसिव सैम्पलिंग यानी पर्पस के अकॉर्डिंग, कोटा सैम्पलिंग एंड कन्वीनियंस सैम्पलिंग, जहाँ सभी आपको अच्छा फील होता है वो, मींस आपको जो भी इजी पड़ता है उस तरह की आप सैम्पल कलेक्ट कर सकते हो, आप किन्हीं एक पर्टिकुलर कंडीशंस को देख करके भी सैम्पलिंग कर सकते हो उन्हें ध्यान में रख करके। ओके, तो टाइप ऑफ सैम्पलिंग जो है आपकी रेस्ट्रिक्टेड, अनरेस्ट्रिक्टेड, देन रेस्ट्रिक्टेड में अगेन आपके टाइप्स होंगे के, और नॉन प्रोबेबिलिटी में भी थ्री टाइप्स आप स्टडी करेंगे के। बट वील डू ऑल दोज थिंग्स इन द नेक्स्ट वीडियो। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे, हैव अ नाइस डे, गुड बाय।